अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्म में जाए, सुअर के बच्चे जन्म में जाए। 27 अप्रैल 2022 प्रेसिडेंट हाउस जीए भुट्टो के नारों से गूंज रहा है। मौका ही ऐसा है, शहीद बीबी का बेटा भुट्टो का नवासा बिलावल विफाकी वजीर का हल्फ उठा रहा है। बहुत सी आंखें नम है, लोग सोच रहे हैं काश आज बीबी जिंदा होती तो कितना खुश होती। ये होती है लेगेसी। नाना यंगेस्ट मिनिस्टर बना और नवासा यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर। और मैं टीवी पर यह सब देखकर सोच रहा था, क्या ड्रामा है यार। गालिब ने यह शेर शायद भुट्टो खानदान के लिए ही कहा था। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजी कर खुला। वो कैसे, अभी समझाता हूं। पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर लें। चले आपको जरा माजी में लिए चलता हूं। The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. My dear sir, आपके अहकामात के मुताबिक मैं यहाँ तमाम जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सरंजाम दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप अब तक की मेरी कारकर्दगी से मुतमईन होंगे। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपका फर्मा बरदार और वफादार रहूंगा। सर, शायद आपको नहीं मालूम लेकिन मेरे मरहूम वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊं, क्योंकि आप एक इंसान नहीं एक इंस्टीट्यूशन है, अपनी जात में एक अंजुमन है। कभी कभी तो सोचता हूं कि अगर आप नहीं होते तो पाकिस्तान का क्या होता। मैं समझता हूं कि जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम सबसे ऊपर होगा, मिस्टर जिना से भी आगे। बेगम साहिबा, या आपको यहां से किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा। आपका मुखलिस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये खत भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा को अप्रैल 1958 में न्यूयॉर्क से भेजा था। इतना लंबा खत लिखने के बजाय भुट्टो सिर्फ ये भी कह सकते थे कि सर आपका विजन है। लेकिन खैर, इस खत में कलम उठाने के चंद माह बाद भुट्टो पाकिस्तान के यंगेस्ट विफाकी वजीर बना दिए गए थे। लेकिन अभी इस खत की स्याही खुश्क भी ना हुई थी, अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा का तख्ता उलटकर उन्हें लंदन भेज दिया। और फिर अप्रैल में सिकंदर मिर्जा को जिनाह से बड़ा लीडर कहने वाले भुट्टो अक्टूबर में अयूब खान को डैडी कहकर बुलाने लगे। वैसे भी उनके बायोलॉजिकल वाले तो कुछ अरसे पहले इंतकाल कर चुके थे। आई गेव हिम द फर्स्ट टेस्ट ऑफ पावर बट ही फाउंड अ न्यू मास्टर। अयूब की भुट्टो से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1958 में बनने वाली पहली अयूब कैबिनेट में तमाम अरकान अपने अपने शोबों में इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर समझे जाते थे, लेकिन वाहिद भुट्टो थे जिन्हें अपनी वजारत में कोई तजर्बा या महारत हासिल नहीं थी। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता। और फिर 5 साल की भरपूर ट्रेनिंग के बाद भुट्टो बिलाखिर 1963 में वजीर खारजा बन गए। भुट्टो अपनी तरक्की पर इतने खुश हुए कि सदर अयूब खान को ताहयात सदर रहने का मशवरा दे डाला। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि देखो यार कैसा आदमी था जिसकी हुकूमत उसके साथ। लेकिन भुट्टो अपनी सलाहियत पर नाजा थे। करीबी हलकों में अक्सर कहते सुने जाते थे कि देखो ये सिर्फ मेरी काबिलियत थी कि मुझे सिकंदर मिर्जा और अयूब खान दोनों ने चूज किया। दिसंबर 1965, अयूब खान इंडिया से मुजाकरात में अमरीकी हिमायत हासिल करने के लिए एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंच गए, जहां अमरीकी सदर जॉनसन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरे पर अयूब खान को अमेरिका से और तो कुछ ज्यादा नहीं मिला, लेकिन जॉनसन से वजीर खारजा भुट्टो के मुतालिक एक मुफ्त मशवरा जरूर मिल गया। जॉनसन ने अयूब खान से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं जानता हूं कि आप भुट्टो पर बिल्कुल वैसे ही एतमाद करते हैं जैसे मैं डीन ट्रस्ट पर या आइजनहावर डैलस पर किया करता था, लेकिन आप भुट्टो को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आपके मुल्की मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि यह शख्स इंतहाई खतरनाक है। मैं आपको उसके बारे में खबरदार कर रहा हूं। आज तो हमें यही बताया जाता है कि 65 की जंग हम जीते, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस तारीखी फतह के बाद आर्मी चीफ और सदर अयूब खान शदीद डिप्रेशन में चले गए। वो जानते थे कि सरकारी मीडिया पर जंग के जो हालात बताए गए हैं हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। ताशकंद मुज़ाकरात के दौरान एक मौका तो ऐसा आया कि अयूब ने भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री से दरख्वास्त की
कि कश्मीर के मामले पर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊं। शास्त्री के जवाब ने अय्यूब को मजीद परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, सदर साहब, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इस मामले पर मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। 65 की जंग के बाद अय्यूब का सवाल शुरू हो चुका था। उनकी उम्र तो सिर्फ 61 साल थी, लेकिन उनकी जहनी और जिस्मानी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। हवाओं का रुख बदल रहा था और साथ साथ अय्यूब के सियासी साहबजादे का किबला भी। स्टैनली वूलपर्ट अपनी किताब में एक दिलचस्प वाकया लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब ताशकंद में भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हुआ तो सेक्रेटरी खारजा अजीज अहमद ने भुट्टो से कहा, द बास्टर्ड इज डेड। जिस पर भुट्टो ने कहा, विच वन? 6 महीनों में इस्कंदर मिर्जा को भुलाने वाले भुट्टो ने 8 साल में अय्यूब खान को डैडी से बास्टर्ड बना दिया था। और फिर 5 फरवरी 1966 को लाड़काना में होने वाली एक मीटिंग में अय्यूब खान ने भुट्टो को काबीना से फारिग कर दिया। सबसे हैरानी की बात बताऊं, जब 1974 में अय्यूब खान का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के ताकतवर वजीर आजम और चंद साल पहले तक उन्हें डैडी बुलाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो ने वजीर आजम हाउस से चंद किलोमीटर दूर रावलपिंडी रेस कोर्स ग्राउंड में होने वाली नमाज जनाजा में शिरकत तक नहीं। कौमी और सूबाई असेंबलियों के नतीजे आ चुके थे। अवामी लीग सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी थी। पाकिस्तानियों का फैसला था कि शेख मुजीब उनका अगला वजीर आजम हो, मगर मिलिट्री लीडरशिप का फैसला कुछ और था। याहिया खान कानून और आइन की धज्जियां उड़ा रहा था और भुट्टो साथ बैठे तालियां बजा रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया। एयर इंडिया का एक फोकर तैयारा हाईजैक हो गया। हाईजैकर तैयारे को लाहौर ले आए। उनकी डिमांड थी कि इंडियन हुकूमत कश्मीरी अस्करियत पसंद रहनुमाओं को फौरन रिहा करे। अभी मुजाकरात चल ही रहे थे कि भुट्टो हाईजैकर से मुलाकात के लिए अगवा शुदा जहाज पर जा पहुंचे और हाईजैकर्स को कौमी हीरो करार दे डाला। भुट्टो के इस बयान ने मामलात मजीद खराब कर दिए। मुजाकरात खत्म हो गए। हाईजैकर्स ने तैयारे को आग लगा दी और इंडिया ने अपनी एयर स्पेस पाकिस्तानी जहाजों के लिए बंद कर दी। 3 मार्च 1971 को इंतखाबात के 2 महीने बाद याहिया ने ढाका में कौमी असेंबली का इजलास बुलाया, लेकिन इजलास से सिर्फ 5 दिन पहले 27 फरवरी को भुट्टो मोची गेट लाहौर में एक जलसा करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि इजलास 4 महीने बाद बुलाया जाए। और यही नहीं, साथ धमकी भी लगाई कि जिसने भी इस इजलास में शिरकत की उसके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जमहूरियत के कायल हैं। यकुम मार्च को इजलास से सिर्फ 2 दिन पहले याहिया खान ने भुट्टो का मुतालिबा मानते हुए इजलास गैर मुय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। 14 अप्रैल को भुट्टो ने नश्तर पार्क कराची में खिताब करते हुए एक अनोखा मुतालिबा कर डाला। यही वो बयान था जिसने पहली बार पाकिस्तान की तकसीम की बुनियाद डाली। भुट्टो ने मुतालिबा किया कि मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के लिए 2 अलग अलग वज़राए आज़म बना दिए जाएं और वहाँ अवामी लीग और यहाँ पीपल्स पार्टी को इख्तदार दे दिया जाए। 18 दिसंबर 1971, आर्मी चीफ याहिया खान के इख्तदार की हविज जिनाह का पाकिस्तान खत्म कर चुकी थी, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। वो अब भी इख्तदार से चिमटे रहना चाहते थे, लेकिन इस बार वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्हें अपने ही लोगों की जानिब से एक खामोश बगावत का सामना हो गया। उन तक वाजह पैगाम पहुंचा दिया गया कि 19 दिसंबर शाम 8 बजे से पहले पहले घर चले जाएं, वरना उनकी अपनी फौज उनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। याहिया चले गए, भुट्टो इलेक्शन हार कर भी वजीर आजम बन गए। बिलावल ठीक कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उस इलेक्शन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी ने 5 बार विफाक में हुकूमत तो की, लेकिन कभी किसी भी इलेक्शन में सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकी। ऑफ कोर्स हम 77 के इलेक्शन को काउंट नहीं कर रहे, यकीन नहीं आता तो चेक कर लें। 88, 93, 2008 या फिर 2022 और 24, हर बार पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों की बेसाखियों के सहारे ही विफाकी हुकूमत में आती है। शायद यही भुट्टो की असल लेगेसी भी है। जिस जमात की घुट्टी में ही अक्सरियत को रद्द करना हो, उस जमात से अक्सरियत क्यों बेजार ना हो। खैर, वापस 70s में चलते हैं। भुट्टो वजीर आजम बन चुके थे, लेकिन यह काफी नहीं था, वो मार्शल लॉ डिक्टेटर बन गए। कहते हैं कि भुट्टो तो डिक्टेटर है। और फिर वही हुआ जो शुरू से होता आ रहा था। भुट्टो ने उन्हें इख्तदार की मसनत पर बिठाने वाले आर्मी चीफ गुल हसन खान और एयर चीफ रहीम खान को
फारिग करने का फैसला कर लिया। 2 मार्च 1972 को दोनों को सहाला गेस्ट हाउस बुलाया गया। सहाला गेस्ट हाउस उन दिनों सियासी कैदियों के हवाले से बदनाम था। दोनों चीफ्स ने इस मशकूक मकाम पर मीटिंग से इनकार कर दिया। इनकार पर मीटिंग का मकाम प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो भुट्टो ने उन्हें वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि आप दोनों को ओहदे से हटाया जा रहा है। उन्हें बताया गया कि गुल हसन खान को मैड्रिड और रहीम खान को वियना पोस्ट किया जा रहा है, जहां वो अपनी नौकरी के बाकी दिन सुकून और खामोशी से गुजारेंगे। एयर चीफ ने कहा, ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधा सीधा इस्तीफा देकर घर चला जाता हूँ। भुट्टो की खुशी की इंतहा न रही, फटाफट इस्तीफा तैयार किया गया। सुल्तान खान बताते हैं कि रात हो चुकी थी, ऐवान सदर के सारे स्टेनोग्राफर घर जा चुके थे। बड़ी मुश्किल से एक टाइपराइटर अरेंज हुआ जिस पर इस्तीफे टाइप किए गए। इस्तीफों पर दस्तखत लेने के बाद गुलाम मुस्तफा जतोई और मुस्तफा खर ने दोनों हजरात को अपनी गाड़ी में बिठाया और लाहौर का रुख किया। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी मौका था कि जब एक सदर ने एक सिटिंग आर्मी और एयर चीफ को गायब करवा दिया था। वैसे बिलावल आई जी सिंध के अगवा पर कितना नाराज हुए थे, सोचिए आर्मी चीफ के अगवा पर उनका क्या रिएक्शन होता। खैर, पर भुट्टो अपना आर्मी चीफ ले आए, उनकी चॉइस भी खूब थी। बुचर ऑफ बलोचिस्तान एंड मास्टरमाइंड ऑफ द जेनोसाइड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जनरल टिक्का खान। एक इंटरव्यू में जब भुट्टो से टिक्का खान के बारे में सवाल हुआ तो वो बोले, टिक्का वॉज अ सोल्जर, टिक्का खान अपना काम कर रहा था, उसे जो हुक्म मिला उसने पूरा किया। भुट्टो तो टिक्का खान के कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन टिक्का खान के अपने जनरल नियाजी अपनी किताब में उन्हें कुछ यूं याद करते हैं, टिक्का खान को क्लियर ऑर्डर्स थे कि हमारा हदफ बागी फोर्सेस हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान को आग लगा दी। उन्होंने कहा, मुझे यहां के लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे यहां की जमीन चाहिए, चाहे जमीन का रंग सबसे लाल ही क्यों ना हो जाए। फौज को मुकम्मल कंट्रोल करने के बाद भुट्टो का अगला हदफ था अदलिया। 73 में आईन बनाने के बाद भुट्टो ने अगले 3 सालों में अपने ही बनाए हुए आईन में आधा दर्जन तरमीम कर डाली, जिनमें से बिलखसूस 4थी, 5वीं और 6ठी तरमीम का मकसद अदलिया को कंट्रोल करना था। 75 में पास होने वाली 4थी तरमीम में हाई कोर्ट से जमानत के इख्तियार वापस ले लिए गए। ये तरमीम भी बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी मुशावरत के अपोजिशन को बुलडोज करके पास कराई गई। न जाने उस वक्त क्या मजबूरी थी। 76 में पास होने वाली 5वीं तरमीम का मकसद भी जजिस की पावर्स को कम करना था और सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना था। लेकिन सबसे दिलचस्प 6ठी और आखिरी तरमीम इलेक्शन से पहले असेंबली के आखिरी सेशन में पास की गई, जिसमें अपने मनपसंद चीफ जस्टिसेस की मुद्दत मुलाजमत में 3-3 साल की एक्सटेंशन कर दी गई। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, वाकई भुट्टो जिंदा है। इसी साल जब आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मौका आया तो भुट्टो ने 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स को बायपास करके जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बना दिया। वही जिया जो भुट्टो के कमरे के बाहर पहरा देते नजर आते थे, वही जिया जो भुट्टो को बॉस बॉस कहकर बुलाते नहीं थकते थे। जनरल चिश्ती अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जिया के नाम का ऐलान हुआ तो हम सब हैरान परेशान थे, इस जैसा इंतहाई मामूली काबिलियत का शख्स आर्मी चीफ कैसे बन गया। लेकिन जनरल चिश्ती गलत थे, भुट्टो के दरबार में जिस काबिलियत की जरूरत थी जिया में वो काबिलियत कूट कूट कर भरी थी। और फिर जिया जिस शख्स के कदमों में बैठकर आर्मी चीफ बने थे, 1 साल बाद उसी शख्स को कुर्सी से गिराकर फेंकने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। शायद वो फौजियों के भुट्टो बनना चाहते थे। यकुम जुलाई 1978, भुट्टो मरी के गेस्ट हाउस में बेचैनी से टहल रहे थे। मौसम तो अच्छा था, लेकिन उनके माथे पर पसीना मरी की किसी आबशार की तरह बह रहा था। फिर अचानक कमरे के बाहर से शोर की आवाजें आने लगी, कोई आ रहा था। और फिर दरवाजा खुला और जनरल जियाउल हक कमरे में दाखिल हो गए। ये दोनों पहले बहुत बार मिल चुके थे, लेकिन आज होने वाली मुलाकात जरा मुख्तलिफ थी। आज भुट्टो जिया का बॉस नहीं, कैदी था। लेकिन फिर भी जिया का ख्याल था कि भुट्टो बीइंग भुट्टो आज की मुलाकात में उसे खूब खरी खरी सुनाएगा, उसकी औकात याद दिलाएगा,
कहेगा कि मैंने तुम्हें छठे नंबर से उठाकर सिपह सालार बना दिया था और तुमने मेरा ही तख्ता उलट दिया। अभी जिया अपने दिमाग में भुट्टो के मुमकिन हमलों का जवाब सोच ही रहे थे कि उनके कानों से आवाज टकराई। अरे जनरल, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। और इससे पहले कि जिया अपने मार्शल लॉ की कोई तौजीहात पेश करते, भुट्टो बोले, अरे जो हुआ सो हुआ, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मैं और आप मिलकर हुकूमत चलाते हैं, हम दोनों मिलकर ही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। क्यों, हैरान हो गए? जिया भी हो गए थे। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और दुख्तरे मशरिक के पहले दौर में चलते हैं। जून 1989, आर्मी चीफ असलम बेग अपने दफ्तर में काम कर रहे थे कि उनका फोन बजा। लाइन पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो मौजूद थी। हेलो जनरल साहब, हाउ आर यू। वाजिबी सलाम दुआ के बाद बेनजीर ने जनरल बेग को बताया कि वो आईएसआई चीफ जनरल हमीद गुल को तब्दील करना चाहती हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो अगली बात बेनजीर ने की, उसने जनरल बेग को हिला कर रख दिया। जनरल साहब, मैं चाहती हूं कि जनरल गुल की जगह जनरल शमसुल रहमान कल्लू को DGISI अपॉइंट कर लिया जाए। लेकिन मैडम प्राइम मिनिस्टर, वो तो रिटायर्ड हैं, जनरल बेग ने जवाब दिया। मैं आपको 3 नाम भिजवाता हूं, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, यही हमारा तरीका है। कॉल खत्म हो गई, आर्मी चीफ ने नाम भिजवा दिए, लेकिन बेनजीर ने फिर भी जनरल शमसुर रहमान कल्लू को ही DGISI नामजद कर दिया। पूरी फौज में खलबली मच गई। कैसे एक रिटायर्ड ऑफिसर, जो फौज के डिसिप्लिन का पाबंद भी नहीं, हर तरह की मीटिंग का हिस्सा बन सकता है? इस तरह तो फौज और ISI में दूरियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन बेनजीर ISI में अपना बंदा चाहती थी, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो। यह भी कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, मगर इसमें क्या बुरी बात थी। DGISI का ओहदा PM को रिपोर्ट करता है और ये उनकी सवाबदीद थी, जिसे चाहे लगा दे। और वैसे भी ये कहां लिखा था कि रिटायर्ड ऑफिसर ISI चीफ नहीं बन सकता। असल स्टोरीज तो बेनजीर के दूसरे दौर की हैं। गुलाम इसहाक खान की डसी बेनजीर ने तहिया किया हुआ था कि इस बार सदर के ओहदे पर कोई ऐसा बंदा लाना है जो बिल्कुल घर का हो, अपना बनता, भाई जैसा। उनकी नजरें फारूक भाई पर आकर ठहर गई। अरे हमारे PIB के 80 गज के घर में रहने वाले फारूक भाई नहीं, जुनूबी पंजाब के लाखों एकड़ अराजी के मालिक सरदार फारूक खान लगारी पर। फारूक लगारी बेनजीर के आदमी थे, आप जानते हैं, लेकिन फिर ये भाई बहन जानी दुश्मन बन गए, ये भी सब जानते हैं। लेकिन ये लड़ाई हुई क्यों, ये कहानी आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। हेन केसलिंग अपनी किताब यूनिटी फेथ डिसिप्लिन द ISI ऑफ पाकिस्तान के सफा नंबर 116 में लिखते हैं कि अपने दूसरे दौरे हुकूमत में बेनजीर सदर के असेंबली तहलील करने के इख्तियार से खासी परेशान थी, इसीलिए अपने खास आदमी फारूक लगारी को सदर बनवाया। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद सदर और वजीर आजम हाउस में टेंशन्स बढ़ने लगी। इसी दौरान प्रेस को एक वीडियो लीक की गई, जिसमें सदर लगारी के खानदान के एक शख्स को इंतहाई नाजेबा हालत में फिल्माया गया था। कुछ हल्कों का ख्याल था कि ये वीडियो IB ने एक आला हुकूमती शख्सियत की रिक्वेस्ट पर तैयार की थी, जिसका मकसद सदर को कंट्रोल करना था। लेकिन बाज हल्कों का यह भी कहना था कि वीडियो दरअसल ISI ने तैयार करके उसका इल्जाम हुकूमत पर लगाया, जिसका मकसद बेनजीर और लगारी के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ावा देना था। खैर, बाद में पेश आने वाले हालात गवाह हैं कि वीडियो ने मामलात बनाने के बजाय मजीद खराब कर दिए और लगारी ने बेनजीर के अपने एक और बंदे के साथ मिलकर उनकी दूसरी और आखिरी हुकूमत को भी घर भेज दिया। वैसे ये अपना बंदा लाने की ख्वाहिश सिर्फ हमारे भुट्टोस को ही नहीं, तारीख गवाह है कि मजहबी शख्सियात से लेकर बादशाहों तक अपने बंदों को अहम ओहदे बांटने का शौक सदियों पुराना है। पता नहीं क्या वजह है कि बार बार अपने बंदों से धोखा खाने के बावजूद इंसान है कि सबक ही नहीं सीखता। खैर, वापस 90s में चलते हैं। हुआ कुछ यूं कि मई 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाया, तो सिर्फ एक जज था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और बेनजीर को यह काम बहुत पसंद आया, इसीलिए छठे नंबर के ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाने वाले भुट्टो की बेटी ने 20 साल बाद
सीनियोरिटी में चौथे नंबर पर मौजूद जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस के ओहदे से नवाजने का फैसला किया। यह अलग बात है कि जरदारी के करीबी दोस्त सेशन जज रफीक आगा की सिंधाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर बिलाखिर ये दोस्ती भी टूट गई, जिसका नतीजा अल जिहाद ट्रस्ट के तारीखी केस की सूरत में निकला। बाद में बेनजीर अपने इस चीफ से इतनी नाराज हुई कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं जहांगीर बदर को चीफ जस्टिस लगा देती। एक बार जब सज्जाद अली शाह कुछ बीमार हुए तो बेनजीर उनकी अयादत के लिए टॉफियों का तोहफा लेकर गई। 97 में जब बेनजीर हुकूमत फारिग हुई तो उनके अपने लगाए हुए चीफ ने उनकी हुकूमत की बरतरफी के हक में फैसला सुनाकर बीबी को हमेशा के लिए घर भेज दिया। This martial law will bring international attention to Pakistan, a country which has nuclear weapons. वैसे लोग इस बयान पर बहुत हैरान और परेशान होते हैं, लेकिन इसमें परेशानी क्या बात है? पीपीपी और फौज की हमेशा से खूब बनती आई है। बीबी वही कर रही थी जो उन्होंने अपने मरहूम वालिद को करते देखा था। भुट्टो मरहूम ने न सिर्फ दो फौजी आमिरों अयूब और याहिया के साथ मिलकर काम किया बल्कि जिया को मरी गेस्ट हाउस में अपनी हिमायत और शराकत का यकीन दिलाया। याद है ना, नहीं तो पीछे जाकर पूरा सीन दोबारा देख लें। सफीर ने 10 मार्च को आसिफ जरदारी से मुलाकात की ताकि वो पीएमएलएन के सरबराह नवाज शरीफ के साथ होने वाले मुआहदे पर जरदारी का मौकिफ जान सके। जरदारी ने कहा कि उनकी और नवाज शरीफ की बहुत निजी तौर पर यह बात तय हुई थी कि साबिक चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया जाएगा और ना ही मौजूदा चीफ जस्टिस डोगर को हटाया जाएगा। जब सफीर ने जजिस की बहाली के लिए पार्लिमानी करारदाद की 30 दिन की डेडलाइन के बारे में पूछा तो जरदारी हंसे और कहा कि सियासत में 30 दिन 80 या 90 भी हो सकते हैं। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इहादा किया, खास तौर पर तारिक अजीज के साथ, जिनके साथ वो खुद को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मुशर्रफ रिलैक्स करें और साबिक चीफ जस्टिस के बारे में ज्यादा फिक्रमंद ना हो। ठीक हो गया, जमहूरियत, सिविलियन सुप्रीमेसी, अदलिया की आजादी, भुट्टो की लेगेसी, आगे चले? भुट्टो की लेगेसी से याद आया, आगे नहीं पीछे जाना पड़ेगा। सन 1973 में 10 फरवरी 1973 मकाम इराकी सिफारतखाना इस्लामाबाद, सुबह के 10 बज रहे हैं। इस्लामाबाद के एक इंतहाई हसास इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और फिर दर्जनों गाड़ियां एक बिल्डिंग का चारों तरफ से मुहासरा कर लेती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बिल्डिंग में कोई बहुत ही खतरनाक दहशतगर्द या हाई वैल्यू टारगेट मौजूद है। सिक्योरिटी अहलकार बिल्डिंग के अंदर घुस गए और फिर एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह एक टैंकी का ढक्कन उठाते हैं। और ये क्या, इस टैंकी में तो खतरनाक जंगी असलहा रखा हुआ है, दर्जनों बंदूकें, कलाशनकूफ और ग्रेनेड। एक सेकंड, मैं 90 वाले छापे की बात नहीं कर रहा। यह बिल्डिंग किसी सियासी या अस्करी तंजीम का हेडक्वार्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान में इराक का सिफारत खाना था। मिनटों सेकंडों में पीटीवी के कैमरे और इंटरनेशनल प्रेस भी वहीं बुलवाई जाती है। इल्जाम लगाया जाता है कि यह असलहा रूस ने बजरिया इराक बलूचिस्तान में गड़बड़ फैलाने के लिए भिजवाया था। इराकी सफीर के लिए यह नाकाबिले यकीन था। ये ना सिर्फ सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी थी बल्कि एक गैर कानूनी अमल भी था। मगर सिफारत खाने से कुछ किलोमीटर दूर अपने ऑफिस में बैठे जुल्फिकार अली भुट्टो उंगलियों में सिगार दबाए मुस्कुरा रहे थे। अमरीकी इंटेलिजेंस ने कई सालों बाद अपने डी क्लासिफाइड होने वाले डॉक्यूमेंट्स में इस पूरे वाकये का बड़ा मजेदार तबसरा किया है। इराकी एम्बेसी से होने वाली असलहे की ड्रामाई रिकवरी हमारी समझ से बाहर है। रूस या इराक ऐसा क्यों कर रहे थे, इस बात का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि इतना ज्यादा असलहा कराची एयरपोर्ट के कस्टम से निकलकर इस्लामाबाद तक पहुंचा कैसे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पेशरफ्त का सबसे बड़ा फायदा भुट्टो को हुआ है। 14 फरवरी 1973
असलहा रिकवरी के ठीक चौथे दिन आर्मी के चुनतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान में अताउल्ला मरी की मुंतखब हुकूमत फारिग करके गवर्नर राज नाफिज कर दिया। आज न भुट्टो हैं न बेनजीर, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी तारीख पर गौर किए बगैर अपने जजिस की तलाश में लगी है। I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Saab will be able to control the other judges on his Supreme Court. सहाफियों का कत्ल हो, मनी लॉन्ड्रिंग या हॉर्स ट्रेडिंग, वडेरों की सरपरस्ती हो या फिर मकामी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से डील, पीपल्स पार्टी आज भी हर मैदान में सबसे आगे नजर आती है। फेक अकाउंट्स या फिर बहरिया टाउन जैसे ओपन एंड शट केसेस के बावजूद चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे की केसेस बनवाए। कयादत, मकबूलियत, कारकर्दगी, इन सब चीजों की किसे जरूरत है जब भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है।